नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में लॉकडाउन में राहत और शराब दुकान खोलते ही घटनाओं का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। एक हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल डायल 100 की मदद से पठारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां बमुश्किल प्राथमिक उपचार मिल सका, जिसके बाद उन्हें विदिशा रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाहन मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला गुरुवार की रात 8 बजे पठारी त्योदा रोड पर त्योदा की ओर आ रही पिकअप गाड़ी और पठारी की ओर जा रही ऑटो की जोरदार टक्कर से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑटो सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला गर्भवती थी और बताया जा रहा है इसी महिला को ग्राम सूजा मालूस से ऑटो वाहन के द्वारा पठारी लेकर के जाया जा रहा था। डायल 100 पुलिस घायलों को तत्काल पठारी हॉस्पिटल लेकर के पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर बड़ोह पंचायत सचिव मनोज रिछारिया और कंकाल खेड़ी पंचायत सचिव अशोक कुशवाहा मिले। स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, जिसके बाद कर्मचारी हॉस्पिटल पहुंचे जो रेफर की प्रक्रिया पूर्ण करने में लगे रहे और घायल तड़पते रहे। वहीं हॉस्पिटल में पहुंचे पत्रकारों ने घायलों की हालत को देखकर पठारी थाना प्रभारी तहसीलदार सी के ताम्रकार और कुरबई बीएमओ डॉक्टर ए के श्रीवास्तव से अस्पताल की लापरवाही की जानकारी दी। पठारी तहसीलदार सी के ताम्रकार तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का उपचार कराया, जिसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से विदिशा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपका कहाँ एक्सीडेंट हुआ? सूजा से आई पठारी के पास। यहाँ उपचार कैसा मिला? आज पेशेंट को ले गए तो वहाँ पठारी के बीच में और बरखेरा और पठारी के बीच में एक्सीडेंट हुआ हमारा, तो यहाँ आगे 8 घंटे से ज्यादा पड़े रहे, हमारा कोई उपचार नहीं हुआ सर। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को